ये हैंड पंप बिगड़ने से क्या परेशानी हो रही है भैया? वही तो ये है, वो भटक रहे हैं अब ये बिगड़ने से। ग्राम महंगवा में 23/10/2014 को कचरा टोला और 25/10/2014 को खिरमाई टोला का हैंडपंप खराब होने से महिलाओं को 1 किलोमीटर दूरी से पानी लाना पड़ता था। महिलाएं काफ़ी परेशान थी। अभी पानी लेने कहाँ जा रही हो? सनेस्तर। इतने दूर क्यों आते हो पानी के लिए? बिगड़ गया है। कब बिगड़ा है? कंप्लेंट वगैरह नहीं किए? आप लोग क्या चाहती हो? बनवाना चाहते। कौन से टोले की? कचरा टोला। इतने दूर पानी के क्यों आए हो? हेडपंप बिगड़ गया। कब बिगड़ा है हेडपंप? 23 तारीख। आपके टोले के कोई कंप्लेंट नहीं दिए हैं पीएचसी विभाग को? एक दिन ज्ञानती बाई ट्रेनिंग सेंटर में आई और मुझसे सलाह पूछी। मैंने उन्हें मीटिंग रखने के लिए कहा। उन्होंने मुझे मीटिंग में बुलाया और मीटिंग के दौरान आवेदन तैयार किया गया और मैंने उन्हें ग्राम पंचायत में आवेदन देने के लिए कहा। उन्होंने ग्राम पंचायत में जाकर 31/10/2014 को आवेदन दिया और ग्राम पंचायत के द्वारा 1/11/2014 को पीएचई विभाग में दिया गया और 6/11/2014 को पीएचई विभाग के द्वारा हैंडपम्प ठीक किया गया। दीदी, आपके जो कचरा टोला में हैंडपंप खराब हो गया था उसको लेके आप बताएंगी क्या किए तब बदलाव आया? आवेदन लगाए, आवेदन लगाए पंचायत में, सुधर गया। परेशानी कोई नहीं, पानी न मिले, पानी तो सनस्तम जाए तो सनस्ता से सरोज बाई है मैडम, तुमसे बात करन कि हैंड पंप हमारे खराब हो गए। हैंड पंप खराब हो गए तब वह कहा थी कि तुम ग्राम जैसे महिला महिला बैठक करके सलाह जोड़ के तब आवेदन लगाओ ग्राम पंचायत में। ग्राम पंचायत से आवेदन डालो तो जहाँ कार्यालय है पानी की कहाँ दें आवेदन, तो हैंड पंप हमारी सुधर गई। हैंड पंप सुधर गई तब कोई परेशान नहीं है, लड़का बच्चन की बहु बेटी परेशानी हो। तो बेटे हैंड पंप कब बना है? गुरुवार 6 तारीख। अब कोई समस्या तो नहीं हो रही है? नहीं। पहले कहाँ से पानी लाते थे? नौस्ता से। अब आपके आपके घर से हैंड पंप कितने दूर है? पास। अब कोई परेशानी नहीं है? मेरा मानना है कि जहाँ पर लोग संगठित होकर आगे आते हैं वहाँ पर समस्या समाधान में देरी नहीं होती, बशर्ते अधिकारियों तक अपनी बात को कैसे पहुँचाएं इसके लिए हमें सोचने और करने की ज़रूरत होती है। मैं सरोज परस्ते, ग्राम महंगवा, विकास खंड कुंडम, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश से इंडिया अनहर्ट के लिए।